दोस्तों, भारतीय रेल में कोच में बायो टॉयलेट टैंक का प्रयोग किया जाता है वर्तमान में। आइए हम लोग देखते हैं कि बायो टॉयलेट टैंक क्या होता है, वो कोच में कहाँ लगा रहता है। आप इस फोटो में एक बायो टॉयलेट टैंक को देख रहे हैं। देखिए, ये दोनों लैब रूम के नीचे लगा हुआ रहता है और इससे विशेषता इसका ये है कि इसमें टॉयलेट करते हैं तो वो सीधे पटरी पर नहीं गिरता है, इस टैंक में वो जमा हो जाता है। और इस टैंक में एनारोबिक टाइप का बैक्टीरिया का यूज किया जाता है। ये बैक्टीरिया उस ह्यूमन वेस्ट को डिकम्पोज कर देते हैं वाटर में और गैस में, और जो पटरी पर जो पानी गिरता है वो उसमें एक क्लोरिनेटेड चैम्बर रहता है इस टैंक में लगा हुआ, तो वो शुद्ध पानी गिरता है ताकि पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं पहुँचे। तो किसी कोच में बायो टॉयलेट टैंक लगा हुआ है अथवा नहीं लगा हुआ है, हम लोग इसकी पहचान कैसे करते हैं, तो आइए हम लोग इस वीडियो में देखते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, इस कोच में बायो टॉयलेट टैंक का प्रयोग किया गया है। आप देखिए, यहाँ पर ये कोच का लैब रूम है, यानी कि लेबोरेटरी रूम है। इसी में आदमी टॉयलेट जाते हैं, लेटरिन करने जाते हैं। और इसमें खिड़की के नीचे में यहाँ पर देख रहे हैं एक ग्रीन कलर का ये पट्टी दिया हुआ है। ये ग्रीन कलर का पट्टी आप लोग देख रहे हैं, तो जिस पर ये सटा रहता है तो पट्टी लगा रहता है लैब रूम के विंडो के नीचे में, तो वही बायो टॉयलेट टैंक का पहचान है। इसका मतलब है कि इस कोच में बायो टॉयलेट टैंक लगा हुआ है। आइए हम लोग दूसरे साइड में देखते हैं चल के, वहाँ भी लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ है, कन्फर्म करते हैं। दोस्तों, बायो टॉयलेट टैंक का विकास जो है वो DRDO और भारत के जो रेलवे का RDSO है, ये दोनों के द्वारा संयुक्त रूप से किया गया है। देखिए, इसके इस साइड में भी बायो टॉयलेट टैंक लगा हुआ है और इसके पहचान के लिए खिड़की पर ग्रीन कलर का पट्टी भी दिया हुआ है फ्रॉस्टेड ग्लास के नीचे इसमें, तो हम लोग इसी से पहचान कर सकते हैं कि कोच में बायो टॉयलेट टैंक लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ है। तो दोस्तों, हम लोग देखें कि इस कोच में बायो टॉयलेट टैंक लगा हुआ है। धन्यवाद।